ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पत्री पुल पर भारी ट्रैफिक जाम होने की समस्या और रास्तों में बड़े बड़े गड्ढों की वजह से शुक्रवार की सुबह पत्री पुल पर एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई तो वहीं दूसरा बाइक सवार घायल है। कल्याण शहर में बीते एक साल में यातायात समस्या बढ़ी है। 104 साल पुराना ब्रिटिश काल का पत्री पुल बंद हो जाने से वाहन चालकों को घंटों पुल पर ट्रैफिक का जाम सामना करना पड़ता है। दूसरे पुल से दोनों दिशाओं में यातायात जारी है, मगर ऐसे में बरसात के कारण पुल पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो वाहन चालकों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। शुक्रवार की सुबह इन्हीं गड्ढों ने एक बाइक सवार की जान ले ली। कल्याण की तरफ जा रहे एक ट्रक ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार अरुण महाजन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार विलास रेडकर घायल हो गए हैं। मृतक अरुण महाजन कल्याण के खड़कपाड़ा के रहने वाले थे, जो डोंबिवली में MIDC में नाइट शिफ्ट कर घर वापस जा रहे थे, जबकि घायल विलास रेडकर डोंबिवली के रहने वाले थे। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पत्री पुल और रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे ही मौत का कारण बन रही हैं। भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। पत्री पुल को नए सिरे से बनाने तक सरकार कितनी बलि और लेगी, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।